आज हम हेयर ट्रांसप्लांट्स से रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हेयर स्ट्रक्चर, हेयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम हेयर ट्रांसप्लांट्स से रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हेयर स्ट्रक्चर, हेयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो हम जब हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, बाल्डनेस की ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो पहले हमें हेयर के स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। अगर हमें इसका नॉलेज है तो हेयर ट्रांसप्लांट को समझने में थोड़ा सा फिर आसानी ज़्यादा हो जाती है। तो हेयर बेसिकली दो पार्ट से बनता है, पहला अपर सेगमेंट, दूसरा लोअर सेगमेंट। अपर सेगमेंट में इन्फंडिबुलम एंड स्थमस आते हैं, लोअर सेगमेंट में स्टेम और बल्ब आते हैं। तो मेन जो शाफ्ट होता है, ये स्टेम, इन्फंडिबुलम, स्थमस, इनसे मिलके बनता है, और जो नीचे होता है वो बल्ब होता है, जिसको हम हेयर रूट बोल सकते हैं। इसके नीचे एक स्किन में इन्वेजिनेशन होता है, जिसको हम पेपिला बोलते हैं, स्किन पेपिला या डर्मल पेपिला बोलते हैं। और उस पेपिला के अंदर हेयर फॉलिकल की सारी ब्लड सप्लाई होती है, वहाँ से ही इसको पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। फिर जो बेस है, बल्ब है, उसमें यहाँ पे जर्मिनल मैट्रिक्स होता है, मिलेनोसाइट सेल्स होती हैं जो वहाँ पे स्किन सेल्स बनाती हैं, हेयर सेल्स बनाती हैं, साथ में कलर देने के लिए सेल्स बनाती हैं। तो वहाँ पे एक तरह से कह लीजिए हेयर का प्रॉपर प्रोडक्शन होता है। तो इसमें लेवल ऑफ अटैचमेंट अलग अलग होते हैं, जैसे स्किन से लेके सेबेशियस ग्लैंड के अटैचमेंट तक के पोर्शन को आप इन्फंडिबुलम कहते हो, फिर उससे अरेक्टर पाइलोरी मसल के अटैचमेंट तक को आप स्थमस कहते हो। हेयर ट्रांसप्लांट में बेसिकली जब हम ब्रेक करते हैं तो अरेक्टर पिलाई मसल के लेवल पे हम उसके कनेक्शन को तोड़ते हैं, तो बहुत रूट तक नहीं जाना होता है आपको। उतना कनेक्शन ब्रेक करने से फॉलिकल लूज हो जाता है और उसके बाद उसको प्लक आउट कर लिया जाता है। तो ये रहता है, अगर आप बहुत डीप जाते हो और आपके बल्ब वहाँ पे स्प्ले हैं या कह लीजिए फैले हुए हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपके कुछ बल्ब कट सकते हैं। तो ये नॉलेज सर्जन को होना बहुत ज़रूरी होता है, इसके बेसिस पे वो आपके ग्राफ्ट के ट्रांजेक्शन को काफ़ी हद तक बचा सकता है। तो स्किल्ड सर्जन हो, अगर उसको प्रॉपर हेयर का स्ट्रक्चर आइडिया है, प्रॉपर हेयर की एनाटॉमी पता है, तो वो आपके ग्राफ्ट ट्रांजेक्शन रेट को बहुत कम कर सकता है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।